गिवन टू पार्टनर शेयर ए एंड बी 5:4। जब इस तरह से लिखा होता है ए का कितना शेयर है 5, बी का 4, ओके। सी इज एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप, तो हम ये यहाँ लिख देते हैं ए बी एंड 5:4, सी इज एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप। ए सरेंडर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर टू सी। ऑफ और फ्रॉम का बहुत महत्व है इस क्वेश्चन में, इसलिए ध्यान से सुनो। ए सरेंडर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर, ए का जो भी शेयर था उसका 1/5 उसने सरेंडर किया है सी के लिए। बी सरेंडर्स 1/4 ऑफ हिज शेयर टू सी, ओके। सो अब ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कितना कितना सैक्रिफाइस है। डायरेक्टली 1/5 ए का सैक्रिफाइस और 1/4 बी का सैक्रिफाइस नहीं है। अब उनके शेयर का 1/5 और उनके शेयर का 1/4 तो फाइंड आउट करना पड़ेगा। फाइंड न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो, सो प्लीज पे अटेंशन। ए का कितना है ओल्ड रेशियो 5:9, सो ए 5:9 एंड बी 4:9। अब वापस से पढ़ो, ए सरेंडर्स, ए ने सरेंडर किया 1/5 ऑफ हिज शेयर टू सी, यानी 5:9 का 1/5, दैट इज ऑफ 1/5। सो ये आपको मिलेगा ए का सैक्रिफाइस, तो कितना होता है ये 5:45। इसको सिंप्लीफाई करो, 5 1s are 5 एंड 5 9s are 45, तो 1/9 इज सैक्रिफाइस ऑफ ए। बी का आप ध्यान से देखते हैं, बी सरेंडर्स 1/4 ऑफ हिज शेयर टू सी, ओके। 1/4 ऑफ हिज शेयर, उसका शेयर था कितना 4:9, उसका 1/4, तो उसका या का के लिए मल्टीप्लाई करते हैं जितना अमाउंट गिवन 1/4, 1/4 ऑफ 4:9 दैट कम्स अप टू 4:36। सिंप्लीफाई करो, 4 1s are 4, 4 9s are 36, सो दोनों का सैक्रिफाइस कितना हुआ 1/9 एंड 1/9। अब न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे, फाइंड न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो, क्योंकि सी का अलग से कुछ दिया नहीं था, सिर्फ सैक्रिफाइस। तो सी का रेशियो क्या होगा, इसका 1/9 ए का प्लस बी का 1/9, वो सी का रेशियो हो जाएगा। सो न्यू रेशियो तीनों पार्टनर्स का कैलकुलेट करते हैं। न्यू रेशियो, इज इक्वल टू व्हाट, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस रेशियो। ठीक है, तो ए का कितना हुआ, ओल्ड कितना था ए का 5:9, 5 + 4 9, सो 5:9 ओल्ड ए का, बी का 4:9, ओके। सो ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस, ए ने कितना सैक्रिफाइस किया है 1:9, बी ने भी 1:9, सो 5:9 माइनस 1:9 इज 4:9 एंड 4:9 माइनस 1:9 इज 3:9। और सी के केस में 1:9 मिला है ए से, 1:9 मिला है बी से, सो टोटल हो गया 1:9 प्लस 1:9 दैट कम्स अप टू 2:9। तीनों के डिनोमिनेटर्स में 9 ही है, सो आई कैन से दैट न्यू रेशियो ऑफ ए बी एंड सी इज 4:3:2। मैं आपको वापस बोलती हूं कि क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना, यदि सरेंडर शेयर करते हैं तो ऑफ वर्ड यूज हो रहा है कि फ्रॉम, हम नेक्स्ट क्वेश्चन यूज करेंगे जिसमें फ्रॉम वर्ड भी यूज होता है, और वो कैसे किया जाएगा आप देखिए।